सर आई वॉन्ट टू कॉपी राकेश झुनझुनवाला सर का पोर्टफोलियो. क्या क्यों? हाँ, वेरियस रीजंस. सी, मैं खुद से कर रहा था. हाँ. लॉस हो ही जा रहा है. हाँ. हो ही जा रहा है. हाँ. तो मैं कहा यार, ये बड़े लोगों को फॉलो करते हैं ना, व्हाट आर दे डूइंग. देखो, कॉपी तो करना नहीं चाहिए. हमने एक वीडियो भी बनाया था कि डोंट कॉपी लार्ज इन्वेस्टर्स. तो सर AI का यूज कर लेंगे ना, सिमिलर. AI इंटरेस्टिंग है. तो एज एन एक्सपेरिमेंट, अगर हम सबको AI यूज करना है टू सी क्या AI कॉपी कर सकते हैं कोई बड़े इन्वेस्टर को, तो राकेश झुनझुनवाला के साथ वो कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट. करेक्ट. आप प्रॉम्प्ट करो एंड देखते हैं कि हम कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं. तो आप कुछ बताओगे, मैं GPT पे लिखूंगा. हाँ, तो प्रॉम्प्ट नंबर 1 इज इतनी आसानी से नहीं. क्लिक ऑन लाइक, क्लिक ऑन सब्सक्राइब. शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. अब क्योंकि हम ये बना रहे हैं तो फर्स्ट चीज ये है, आप पहले तो ChatGPT खोल लो. खोल दिया. पहले ChatGPT से फर्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं. सबसे पहले पूछे कि इंटरव्यूज, रिपोर्ट्स, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन 50,000 रुपए के साथ, अभी वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में. ठीक है, मैं लिखता हूँ. ठीक है सर, डन कर दिया. तो इंटरेस्टिंग है, पहले बोल रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. आई थिंक हमने वो तो स्टार्ट ही किया था, बट थोड़े थक गए सुन सुन के. लॉन्ग टर्म सर, तभी तो बनेंगे ना. हाँ ठीक है, और नीचे चलते हैं. यहाँ पे लिखा है सेक्टोरल बेट्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनको लगता है कि एक सेक्टर एक समय पर बहुत बढ़िया करता है, उस पर पैसे लगाओ, उस पर इन्वेस्ट करो, उसके बाद मूव ऑन टू डिफरेंट सेक्टर्स. तो जैसे फार्मा, FMCG, ऑटोमोबाइल, सेक्टर वाइज. सेक्टर वाइज तो आई थिंक ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है ना कि लोग भेड़ चाल में ज्यादा करते हैं. जैसे बचपन में बेब्लेड था. बेब्लेड याद है? ये था सर, ये था. हाँ, सब लोग बेब्लेड खेल रहे थे उस टाइम पे. तो व्हेन यू बिकम एन एडल्ट, नॉट मेनी थिंग्स चेंज. गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है कि अब पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिक्स करना है, तो वो इंडस्ट्री बढ़िया करने लगती है, फॉर एग्जांपल. तो तब राज वगैरह ऐसे करके कंपनीज निकले थे. तो उस तरीके से हो सकता है. अमेरिका में ओबामा ने एक बार अनाउंस किया था कि ओबामा केयर करेंगे, यानी कि हेल्थ केयर को रिवाइटलाइज करेंगे. एंड इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ हेल्थ केयर. तो जो पूरी इंडस्ट्री है, वो पूरी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया की एक साथ. ओके. जैसे कि हमने एडटेक देखा, एडटेक ने बहुत बढ़िया किया. फिर मुझे क्यों तोड़ा? चलो कोई बात नहीं. तो अच्छा, इंडस्ट्री वाइज चलते हैं. तो कुछ इंडस्ट्रीज कुछ टाइम. हमारा एक तो सवाल है सर, बताइए. तो ये GPT पे अगर मैं बोलूं, हाँ, कि ट्रेंडिंग सेक्टर बता दे. हाँ. पहला सवाल. हाँ ठीक है. दूसरा सवाल आप बता देना उसके बाद, है ना. मतलब आपका ज्ञान नहीं, GPT का ही ज्ञान लेते हैं. पहला ठीक है. ओके, पहला सवाल मैं आंसर करूं. तो मुझे लगता नहीं कि GPT एक्चुअली सेक्टोरल बता सकता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, बिकॉज GPT का डेटा भी अलग है, ओल्ड है. आपको डेटा फीड करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा क्या करना है एक्सेट्रा. एक शायद आसान तरीका है, CNX इंडेक्स में ना, CNX IT, CNX फार्मा, CNX मीडिया, ऐसे करके देखता है. तो उनका मंथली चार्ट 10 साल का खोल के देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है. तो FMCG ऐसा दिखेगा, मीडिया ऐसा दिखेगा. तो शायद वहां से आप निकाल सकते हो. बट टू बी ऑनेस्ट, ये नहीं बताएगा. राकेश झुनझुनवाला का स्ट्रेटजी ये नहीं होगा. वो अच्छे से सेक्टर को शायद समझते, उनके पास एनालिस्ट हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते. एंड तो शायद ये चीज GPT. अरे सर, अब एनालिस्ट हायर करने पड़ेंगे खुद के लिए. नहीं कोई बात नहीं. तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे. वॉच द वीडियो टिल द एंड. नेक्स्ट है रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन. तुम बताओ क्या है ये रिस्क सर? मतलब कितना वही कितना लॉस हो सकता है, वही खतरा. डाइवर्सिफिकेशन क्या है? सारे अंडे एक बास्केट में मत रखिए. करेक्ट. मतलब मल्टीपल इन्वेस्टिंग सेक्टर ढूंढिए. आई वुड नॉट से सेक्टर, मल्टीपल मतलब जगह ढूंढो. गोल्ड में कर लो, रियलिटी में कर लो, इक्विटी में कर लो, म्यूचुअल फंड में कर लो, इंडेक्स में कर लो, ब्ला ब्ला. तो इसमें मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज को बांट दो सारा पैसा. 90% FMCG में मत डाल दो, थोड़ा सा ऑटो में जा सकता है, थोड़ा अलग अलग. यू शुड बेसिकली डिवाइडेड सेक्टोरल वाइज, बिकॉज सेक्टोरल एंड मोर ऑफन देन नॉट प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज रॉन्ग कि कौन सा सेक्टर बढ़िया करेगा, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं जानता. एंड क्योंकि फ्यूचर नहीं जानता, डाइवर्सिफाई करना चाहिए टू मल्टीपल इंडस्ट्रीज, बस यही मतलब है. दूसरा, उनका वो इक्विवेटेड नहीं करते हैं जैसे कि हम जैसे लोग करते हैं ना, कि 10 स्टॉक है सब में 10 इक्वल पैसा डाल दो. वो थोड़ा समझते हैं कंपनीज को, एंड वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे बिलीफ बहुत हाई है. तो दैट्स अ प्रीटी हाई रिस्क गेम. बट वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा पढ़ते हैं. अब आई थिंक वो पर्सनल चॉइस है
अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो, जो मुझे नहीं लगता आम आदमी को लेना चाहिए, तो वो शायद ये करते. बट राकेश जोजनवाला यही करते थे. ही बिलीव्ड इन वन कंपनी वुड पुट अ लॉट ऑफ मनी बिहाइंड इट. बट आई ऑल्सो फील देयर इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. मतलब उनको ऐसी चीजें पता है जो आपको नहीं पता. उनके एनालिस्ट अच्छे से एनालाइज किए, इन्वेस्टर कॉन कॉल सुने, शायद उन्होंने मैनेजमेंट से बात की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप शायद इतना समय नहीं दे पाएंगे. तो ये हाई कन्विक्शन बैट एक कंपनी बहुत पैसा डाल दिया तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बट क्योंकि ये आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है, हम GPT यूज कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमको. और फिर सर 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 हाँ ठीक है, ज्ञान है भर के सर. स्टॉक कैसे पहचानूं, किस में इन्वेस्ट करना है, मतलब ये तो बहुत सारा ज्ञान है जो कि आराम से है? मुझे पता आप भी यही सोच रहे हो. अभी हम पहले समझ लेते क्या ये एक और पॉइंट है, उसके बाद इसको क्वांटिफाई करके मतलब नंबर्स डाल के कि इससे ग्रेटर होगा तो कंपनी को चुनेंगे, इससे कम होगा कंपनी को नहीं चुनेंगे, वो रूल्स बना के एक्चुअल पोर्टफोलियो बनाएंगे. ये GPT करेगा, ये GPT करेगा. एंड फिर मैं जाके बोलूंगा GPT सही है कि नहीं. तो नीचे चले, अपने को तो स्टॉक मिल जाएंगे. अच्छा ओके. अरे बाप रे. तो स्मॉल कैप मिड कैप, हाँ ये बहुत इनको लगता था कि ह्यूज ग्रोथ छोटे मीडियम साइज कंपनीज में है, लार्ज कंपनीज में थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ कोर्स दे लार्जर. अब कोई कंपनी 1,00,000 करोड़ की है तो क्या वो 10,00,000 करोड़ की बन जाएगी? बन सकती है. लेकिन क्या कोई 1,000 करोड़ की कंपनी क्या वो 10,000 करोड़ बन सकती है अगर बहुत अच्छे कैश फ्लोज वगैरह हैं? हाँ, उतना नहीं ग्रो करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल. तो उनका ये मानना था कि स्मॉल कैप मिड कैप इज अ गुड प्लेस टू हंट फॉर जेम्स. एक और इंटरेस्टिंग चीज था, राकेश जो एक्चुअली ट्रेडर थे शुरुआत में. हाँ, वो निफ्टी फ्यूचर्स प्रॉपर फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेड करते थे. मैंने तो सुना है कि लास्ट तक भी करते थे. मतलब तो कब से कर रहे हैं वो ये ट्रेडिंग? बहुत टाइम हो गया. तो इवन इन हिज इन्वेस्टिंग वो टेक्निकल एनालिसिस के जरिए थोड़ा टाइम करते थे कि मैं कब एंटर करूं. तो दैट्स आल्सो प्रीटी कूल. तो ये भी इसको भी क्वांटिफाई करते हैं. ओके. दूसरा, सारा पैसा आ गया, पूरा पैसा डाल दिया, वो नहीं करते थे. कुछ पैसा साइड में रखते थे कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ गया फ्यूचर में तो मेरे पास कुछ कैश. इमरजेंसी क्या जेंशी? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. इमरजेंसी तो नहीं, इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट फंड. हाँ, ऐसा मान सकते. तो वो थोड़ा अलग अमाउंट रख के रखते थे. तो इसको भी क्वांटिफाई करते कि कुछ कैश अमाउंट रहे, कि कुछ आ गया इंटरेस्टिंग तो कुछ मनी हो करने के लिए. अब आपको क्या लग रहा है, ये थोड़ा पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग है कि बहुत एक्टिव है? सर एक्टिव है, पैसिव तो क्या ही है वो. तो दिस लुक्स लाइक ट्रेडिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स. करेक्ट, अभी भी देख रहे हैं चार्ट. तो इसको क्वांटिफाई करें फिर. आई थिंक वी शुड. हां, एक-एक करके जाते हैं. तो गाइस ठीक है, मैं क्वांटिफिकेशन करता हूं इस चीज. सर आप क्यों कर रहे हो? AI करेगा. ठीक है, AI करेगा. तो आई थिंक इसी को करना चाहिए. कर लो, मैं हूं क्यों इस वीडियो में. ठीक है, आप बताएंगे ना. मैं क्या बताऊंगा, सब तो ये बता रहा है. हाँ, आप बताओ कि ठीक है ये बहुत वेग है, इसको क्वांटिफाई करो. सर डन. ओ सही लिखा ना? पता नहीं. लॉन्ग टर्म वैल्यू पी रेशियो बिलो इंडस्ट्री एवरेज, नॉट अ ग्रेट वे टू डू इट, रिटर्न कैपिटल अबव 15. ये ठीक लग रहा है. सेक्टोरल बेट्स, फोकस ऑन सेक्टर्स विद पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल IT इज बूमिंग. अच्छा, तो मतलब ये तो आप ही को करना पड़ेगा. GPT ने बोला भाई हमारे बस का नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा. तो बस का है क्या? आपको आंसर्स देना और आपको कॉन्फिडेंस देना फॉल्स वाले. रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन, बीटा लेस देन 1 फॉर लो वोलेटिलिटी, वेरी नाइस. बीटा पता है क्या है? टाइम नहीं, वो तो थीटा है. इट्स अ वे टू मेजर वोलेटिलिटी. तो अगर कोई स्टॉक है जो बहुत मूव करता है वो हाई बीटा, कोई थोड़ा कम मूव करता है लो बीटा. तो दिस इज बेसिकली दैट. थोड़ा कैलकुलेशन इसका थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए. एंड 3 अलग सेक्टर्स हैं, मेरे को लगता है ये 5 सेक्टर तो होना चाहिए, 3 थोड़ा कम है बट कोई बात नहीं. हाई कन्विक्शन बेट्स, मैनेजमेंट क्वालिटी सब्जेक्टिव, लुक एट कंपनीज लेड बाय रिप्यूटेड CEOs, ये भी आपको करना पड़ेगा, ChatGPT नहीं कर सकता ये. स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिव मोट, कि आगे जाके कोई कॉम्पिटिशन आ जाए फिर भी वो जीते. कोई बैंक का नाम बताना. HDFC. हाँ, कोई मुझे रेजर का नाम बताना. Mark 3. नहीं, वो तो जिलेट है. हाँ, एंड मुझे कोई सोडा का नाम बताना. बैकपाइपर. नहीं, वो नहीं. सॉफ्ट ड्रिंक. श्वीप्स. सॉफ्ट ड्रिंक. कोला. तो आपने जो तीनों कंपनी बताए इनमें भयंकर कंपटीशन है, लेकिन लीडर एक ही है. और आपने ये तीन बोला, ये तीनों लीडर ही हैं, पेप्सी, कोक, जिलेट, HDFC बैंक एक्सेट्रा. तो इनके अगर कोई कंपटीशन आ जाता है, अभिषेक बैंक, HDFC will still win because they have moats. तो ये अगेन GPT आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखो, हम सिखाते हैं ये सब कुछ.
बट ये भी आपको खुद करना पड़ेगा। मिड कैप इसने डिफाइन कर दिया 500 और 10,000 करोड़ के बीच में। अच्छा टेक्निकल एनालिसिस, ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बिफोर 30 और अबव 70 फॉर एंट्री एग्जिट पॉइंट। अच्छा 30 के बिलो बाइंग, 70 के अबव एग्जिट। आई डोंट अग्री विद दिस बिकॉज कोई बहुत अच्छे कंपनीज ऊपर जाते हैं ना, 70 पे बाय हो 30 पे एग्जिट नहीं होता। नहीं मतलब ओके टेक्निकल एनालिसिस से कुछ भी कर लो बट हाँ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स उतना ग्रेट एंट्री क्राइटेरिया नहीं है वैसे ये, बट ओके। कैश रिजर्व 10%, ऑलराइट। एक्टिव मॉनिटरिंग ये भी आपको करना पड़ेगा। चलो भाई स्क्रीनर में इसको डालते हैं। तो स्क्रीनर में स्टार्ट टाइपिंग प्राइस टू अर्निंग्स इज लेस देन इंडस्ट्री पीई, ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15, सर ओले ओले, मार्केट कैप ग्रेटर देन 5000 एंड आरएसआई को ग्रेटर देन 50 कर देते हैं, एग्जिट नहीं डालते हैं। इसको रन करना हो गया, जस्ट क्लिक ऑन द रन बटन, रन। So, should I buy these stocks? You actually get an interesting set of companies. लेकिन इसमें दो तीन problems हैं। एक, इसमें हम sector rotation नहीं कर पा रहे हैं because we cannot quantify that. Second, management को हम judge नहीं कर पा रहे हैं because उसका कोई quantification नहीं है. That's more based. पढ़ना पड़ेगा. पढ़ना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, research करना पड़ेगा. And third चीज़ है कि actually how to create a portfolio का कोई method एटलीस्ट पब्लिकली तो नई नोन है, तो वो अपने हिसाब से करते थे। राकेश जुंजनवाला हैज बीन डूइंग दिस फॉर डेकेड्स, तो आई डोंट थिंक एन एआई कैन जस्ट रेप्लिकेट इट। आपको क्या लगता है? मेहनत करना पड़ेगा सर, अब तो लग रहा है। मेरे को यही लगता है कि देखो कैलकुलेटर से साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए, पहले हम एबेकस करते थे, फिर इंटरनेट आ गया, फिर भी लोग हैं दुनिया में जो मैथ्स नहीं कर सकते ना, राइट? तो जस्ट लाइक कैलकुलेटर आई थिंक एआई भी एक टूल है, एंड अगर इफ यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग यू कांट यूज दैट टूल प्रॉपरली। मुझे ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर में बहुत सारे लोग बोलेंगे एआई से पैसे कमाओ, इससे आपको दूर रहना है बिकॉज ये अभी आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया स्कैम बनने वाला है। लोग बोलेंगे एआई तो स्मार्ट है, पैसा तो बनता ही है, नंबर तो क्रंची करना पड़ता है, एआई के थ्रू तो मैं पैसे बना लूंगा। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस सीरीज टू प्रूव टू कि ऐसा कुछ नहीं है, सही हाथों में वो टूल अच्छा काम करता है, वरना तो क्या करोगे। कितने कितने स्टॉक्स आए? बहुत सारे, बट नीचे देख लेते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, आपको एक लिस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग कंपनीज मिले, दो एक अच्छा टूल है टू फाइंड आउट कि यार पीटर लिंच क्या सोचता है, वॉरेन बफेट क्या सोचता है, या अलग अलग लोग क्या सोचते हैं, जो आप शायद किताब पढ़ के नहीं कर पाते बट चैट जीपीटी में फ्यू मिनट्स में आप वो निकाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं, बट पूरी तरह यूज नहीं कर सकता इस केस में, तो हम तो नहीं कर पाए। आपके पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज नीचे कमेंट में बताओ एंड हम फिर से ट्राई कर सकते हैं, सब साथ में सीख सकते हैं एआई ग्रुप कॉल। आपको मजा आया? नेक्स्ट एआई सीरीज में हम क्या कवर करें प्लीज हमको बताइए। और अभिषेक के लिए सब लोग क्लैपिंग कर सकते हैं क्या प्लीज? आप भी ग्रेट जॉब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हिट दैट लाइक, हिट दैट सब्सक्राइब। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज बताओ, बाय बाय। सेशन में घंटा नहीं पर हाँ चलेगा, हाँ तंग चलेगा, हाँ।